Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, Sasikar, Namaste. जो मुद्दा उठाया हुआ है जो उठा रहे हैं जिनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं साहिल सर और प्रिंस जी तो ये जो बता रहे हैं वो पूरा क्लियर है जो इन्होंने शेरू क्लासिक में किया है हर एक एथलीट के साथ क्योंकि हर एक एथलीट पूरा अमीर नहीं होता वो कहीं से पैसे पकड़ के अपनी बॉडी बिल्डिंग या कोई भी मैन फिजिक या कुछ के लिए भी तैयार होता है तो उसके उसका शिकार मैं भी हुआ हूं शिकार ऐसे हुआ हूं कि वहां की पहले तो मैंने फीस 10,000 कहीं से पकड़ के दे दी वो हो गया कंप्लीट जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वेइंग करवाई वेइंग होने के बाद इन्होंने स्टेज पे जो कॉल की थी बुलाने के लिए उससे पहले इन्होंने बोल दिया कि आप अपनी टैन नहीं कर सकते हमारा ही कंपनी ही टैन करेगी प्रो टैन तो उसके 5,000 आपको अभी पे करने पड़ेंगे तो एकदम से मेरे पास तो है नहीं थे पैसे मैंने किसी को कॉल किया कि पैसे डालो भाई उसने पैसे डाले फिर मैंने इनको गूगल पे किया वहां पे वो मेरे पास पड़ा होगा इस फोन में रिकॉर्ड है मैं अपनी खुद की लेके गया था ये ड्रीम टाइम नहीं है अभी खोली भी नहीं है ये पैसे वेस्ट हो गए चलो ये तो कहीं पे काम आ जाएगी मुद्दा यहां पे आ जाता है कि हमने 15,000 रुपये इनको दे दिया बाकी जो हमारी तैयारी हमने की उसके ऊपर कितना खर्चा आ गया ये किसी स्पोर्ट्समैन को कोई इन्होंने कोई डाइट भी नहीं दी वहां पे किसी को सिंगल एग वाइल्ड एग वो भी नहीं दिया पानी तक हमने अपने पैसों का खरीदना पड़ा वहां पे क्या मैनेजमेंट थी वहां पे कोई कुछ भी नहीं क्या दिया इन्होंने एक दी ये वाली ट्रॉफी 10,000 रुपए में एक ये वाला मेडल एक ये बैग और ये इसमें सैंपल है सारे सिर्फ एक एक स्कूप के कोई वे है कोई प्रोटीन है कोई गेनर है कोई बीसीए है कोई ग्लूटामाइन है प्री वर्कआउट तो मेरे घर में हो गई नहीं मैंने तो चेक ही नहीं किया उस दिन का जैसे ही पड़ा है और सबसे बड़ी बात इन्होंने सर्टिफिकेट पे ऊपर नाम ही नहीं लिख के दिया भाई वहां पे मेरा नाम आपको नहीं पता था जो कॉम्पिटिटर मैं इतने कॉम्पिटिशन खेल चुका हूं जब कॉम्पिटिटर अपना स्लिप कटवाता है ना आपने ऑनलाइन मेरे से पैसे लिए तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसे सर्टिफिकेट पे तो पहले ही नाम लिख दो कम से कम क्वालिफाई किया है उसका तो दे दो क्या चल क्या रहा है ये मेरे को तो समझ नहीं लग रहा पर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि साहिल सर बहुत कुछ कर रहे हैं जिनको कोई अपना उनका एक वजूद है उनका एक स्टेटस सिंबल है उनका सब कुछ बना हुआ है फिर भी वो सोच रहे हैं कि इंडिया के बॉडी बिल्डर्स गेन क्यों नहीं कर रहे रीजन कि आप पैसे खा रहे हो पैसे ही खाए हैं आपने वहां पे मेरा पहला और लास्ट एक्सपीरियंस था ये शेरू क्लासिक का हम जीत जाएंगे हम करेंगे लड़ाई इसके मुद्दे पे जो मेरे को और मिलेगा मैं उससे भी यही कहूंगा कि जो तेरे साथ हुआ है वो रियलिटी बताओ कुछ भी नहीं यार वहां पे कम से कम किसी को एक एक टाइम की डाइट तो दे दो मैं हैदराबाद गया था वहां पे तकरीबन रोज 1,000 अंडा उबलता था दो तीन बड़े बड़े देगे चिकन के बनते थे वो भी विदाउट सॉल्ट स्प्राउट्स होते थे जो साथ में जाते थे कॉम्पिटिटर हाँ साथ में गया कोई सिर्फ एक बंदा अलाउड किया इन्होंने अगर कोई और आएगा तो 500 रुपये टिकट किस बात की भाई एक बंदा तो मेरे कपड़े पकड़ने के लिए चाहिए दूसरा मेरे को तैयार करने के लिए चाहिए मैं तो उस हिसाब से लेके गया ना पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया बाकी देखेंगे फिर थैंक्स टू साहिल सर के एफर्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं सर भाईजान आपके साथ हैं और जो सच्चाई है मैंने आपको बता दी थैंक यू